तो गई सुबह पता नहीं क्या हो गया, मेरे बेटा फिश को ये मरी हुई मिली मुझे। आज सुबह उठ के मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटा फिश के एक्वेरियम में छोटे से बाउल में उसमें तो थोड़े स्टर्न्स ऐड करूंगा, लेकिन हमारा ब्लैकी तो कुछ और ही देख रहा है। लगता है इसे भी पता चल गया कि आज भैया कुछ ना कुछ फिर एक्वेरियम में करने वाला। तो ये रही हमारा मेटा फिश और मेटा फिश का बाउल। अब हम इसमें अपने एक्वेरियम में छोटे से बाउल में अपने फिश के लिए थोड़े थोड़े स्टोन्स ऐड करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं बड़े ध्यान से ऐड कर रहा हूँ इसमें स्टोन्स, क्योंकि हमारी बेटा फिश इसी के अंदर अगर थोड़ा सा भी स्टोन कहीं लग गया तो उसको चोट लग जाएगी। तो अभी प्रॉपर तरीके से मैंने इसका सेटअप कर दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आखिरी लुक। तो वैसे आप लोगों को मैंने कल रात में कमेंट पढ़ते आपके कमेंट आए थे कि इसे मेटा फिश नहीं बोलते, इसे बेटा फिश बोलते, मेरे को सच में नहीं पता था। बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे कौन सा टर्टल लाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ा टर्टल और बहुत यूनिक लाने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पे किसी ने आपको दिखाया होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को।